नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किन्नौर टीवी। आज जिला किन्नौर क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में बुजुर्गों व अन्य लोगों को कोविड-19 की तीसरी डोज लगाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अन्वेषा नेगी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किन्नौर में आज तक 8,000 बुजुर्गों को पहला और दूसरा डोज लगाया गया। डॉक्टर अन्वेषा ने कहा कि जिन जिन बुजुर्गों का 9 महीना टीकाकरण का हो गया है वह अपना तीसरा डोज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर लगवा सकते हैं। क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को तीसरी डोज लगाई जा रही है। इन 3 दिनों में कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव का हो वह यहां पर आके कोविड-19 की तीसरी डोज लगा सकता है। हमारे जिला किन्नौर में और पूरे भारतवर्ष में सरकार ने तीसरी डोज यानी कि जिसको प्रिकॉशन डोज हम कह रहे हैं वो स्टार्ट कर दिया है सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर के लिए और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए। तो हमारे ज़िला किन्नौर में लगभग हमने जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगाई थी लगभग 8,000 बुज़ुर्गों को लगाई गई थी और जिन जिन बुज़ुर्गों के 9 महीने कंप्लीट होते जा रहे हैं वो बुज़ुर्ग कृपया अपने जो स्वास्थ्य केंद्र है अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी थर्ड डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज ज़रूर लें। आज हमारे रिकांगपिओ अस्पताल में थर्ड डोज लग रहा है। रिकांगपिओ अस्पताल में हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को प्रिकॉशन डोज लगाई जाती है। आप कहीं से भी हैं इन 3 दिनों में आके यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी जो जो गांव हैं हमारे और PHCs हैं जहाँ पे जैसे जैसे लोगों का 9 महीने होते जाएंगे हम वहाँ पे सेशन रखते हैं और आप जैसे ही सेशन रखें आपकी आशा वर्कर्स या MO इंचार्ज है आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप वहाँ पे जाके अपना थर्ड डोज ज़रूर लगवाएं।